स्टूडेंट, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे बोरॉन फैमिली और ये ग्रुप नंबर 13 है पीरियोडिक टेबल में। जो आपका सिलेबस है उसमें कंपेरेटिव स्टडीज है बोरॉन फैमिली की, डायगोनल रिलेशनशिप है ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की, बोरोहाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड हैं, ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स और हैलाइड्स हैं बोरोन्स के, इसके अलावा बोरेक्स है और बोराजीन्स। ये जो हमारा चैप्टर है इसको हमने अलग अलग जो लेक्चर है उसमें डिवाइड किया हुआ है। आज हम लेक्चर वन जो है उसको शुरू करेंगे और लेक्चर वन में जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर्स एंड टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड इन केस ऑफ बोरॉन्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। जो बोरोन है ये ग्रुप नंबर 13 है पीरियोडिक टेबल में और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इन पांच एलिमेंट में जो बोरोन है उसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और जो बोरोन है वो नॉन मेटल्स हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन पाँचों में से और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद इन द अर्थ क्रस्ट। तो इस चैप्टर में हम कंपेरेटिव स्टडीज करेंगे ग्रुप नंबर 13 की। अगर हम पीरियडिक टेबल में पोजीशन की बात करें बोरोन की, तो जो ग्रुप नंबर 13 है इट इज लाइंग ऑन द राइट साइड इन द पी ब्लॉक। सो दिस वन इज द पी ब्लॉक एंड दिस वन इज द ग्रुप नंबर 13। तो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल्स में। बोरॉन के केस में एटॉमिक नंबर 5 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p1। दिस वन इज द प्रिंसिपल शेल और मेन शेल। सिमिलरली एल्यूमिनियम के केस में एटॉमिक नंबर 13 है 3s2 3p1। इन केस ऑफ गैलियम एटॉमिक नंबर दैट इज 31 एंड जो मेन इसका शेल है प्रिंसिपल शेल है दैट इज 4s2 4p1। जो गैलियम है इसमें जो डी ऑर्बिटल है उसकी जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर एल्यूमिनियम। इट आल्सो हैविंग 10 डी इलेक्ट्रॉन। देन इंडियम 5s2 5p1, इट इज आल्सो हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। देन थेलियम 6s2 6p1, इट इज आल्सो हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देन कम टू द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ये टेबल है, इसमें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसको हमने मेंशन किया है। एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक नंबर है, आयनिक रेडियाई है, डेंसिटी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम वन बाई वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। अगर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात की जाए ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिलीज की, तो जो इसका जो रेडियाई है एटॉमिक आयनिक रेडियाई है वो स्मॉलर है एज कंपेरिजन टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में है अल्केलाइन अर्थ मेटल। और इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि जब हम ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 13 की तरफ को मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, दे आर इंक्रीजिंग। तो हमने मोस्टली जो हमारे प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का वो इंक्रीज करता है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन दैट इज एडेड टू द सेम शेल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है तो इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, दे डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेट न्यूक्लियर चार्ज। और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और ये कारण बनता है साइज डिक्रीज होने का। तो इसका जो फर्क पड़ेगा वो सीधा फर्क ये पड़ेगा कि ग्रुप नंबर टू है उसके जो रेडियाई हैं वो बड़े हैं, दे आर बिगर इन साइज एज कंपेरिजन टू द रेडियाई ऑफ ग्रुप नंबर 13। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे पीरियडिक टेबल में तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करते हैं, पर इसके पीछे ये कारण है कि न्यूक्लियर चार्जेस हैं तो बढ़ ही रहे हैं पर सेम टाइम जो न्यू शेल्स हैं उसका भी एडिशन हो रहा है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा टेबल है, इसमें जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे तो क्या है कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करने चाहिए, पर अगर हम एल्यूमिनियम और गैलियम का एटॉमिक रेडियाई इनको कंपेयर करें तो इसमें जो गैलियम का एटॉमिक रेडियाई है वो कम है एज कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम, 143 पिकोमीटर फॉर एल्यूमिनियम एंड 135 पिकोमीटर फॉर गैलियम। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ को मूव करेंगे तो क्या है कि ऑनवर्ड गैलियम जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट करेंगे ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। अब जो डी ऑर्बिटल है इट विल नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड पुअर पेनिट्रेशन पावर्स, पेनिट्रेशन पावर है जो डी ब्लॉक एलिमेंट ऑर्बिटल्स की वो कम है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है गैलियम के केस में वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो रेडियस है गैलियम का वो कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम्स। तो ये तो था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट फैक्टर 6 है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये देखा गया है कि जो ये वैल्यूज है वो डिक्रीज करेगी, पर जो मेल्टिंग पॉइंट है उनमें जो डिक्रीज है वो इरेगुलर है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो डिक्रीज है वो एक रेगुलर ट्रेंड में है। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेंगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनाइजेशन थल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन थल्पी ग्रुप नंबर 13 के केस में कम है एज कंपेरिजन टू द ग्रुप नंबर 2 दैट इज द अल्केलाइन अर्थ मेटल। और इसके पीछे ये कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन जो हमने रिमूव करना है वो हमने रिमूव करना है NP1 ऑर्बिटल से, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजिली है एज कंपेरिजन टू द अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, तो ये कम्प्लीटली फील्ड है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम दोनों की आयनाइजेशन थल्पी को कंपेयर करें, फर्स्ट आयनाइजेशन थल्पी को तो ग्रुप नंबर 13 में कम है और अल्केलाइन अर्थ मेटल में ज़्यादा है, पर अगर हम सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन थल्पी को कंपेयर करें ग्रुप नंबर 13 में तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अब हमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो हमने रिमूव करना है फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल्स।
तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी है बोरॉन फैमिली में वो डिक्रीज करेगी। और इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज कर रहा है, तो नेचुरली क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में, वो डिक्रीज करती चलेगी। सो द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दैट बिकम नाउ मोर एंड मोर इजियर, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती चलेगी। अगर हम कंपेयर करें आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की और गैलियम की, तो ये देखा गया है कि जो गैलियम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम। अब इसके पीछे ये कारण है कि जब अब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ को मूव करेंगे तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो फिल करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में गैलियम के। तो जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है ये होंगे इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में। तो हमें पता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है इसकी जो शील्डिंग पावर है या स्क्रीनिंग पावर है वो कम है एज कंपेरिजन टू द एस एंड पी ऑर्बिटल। तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इसका वो लेस होगा एज कंपेरिजन टू द एस एंड पी ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है दे आर हेल्ड फेयरली स्ट्रॉन्गली बाय द न्यूक्लियस, और इसकी वजह से ये होगा कि आयनेशन थल्पी है वो स्लाइटली इनक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो एटॉमिक रेडिया है जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ को मूव करेंगे वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो था आयनेशन थल्पी के बारे में। अगला हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखें ब्रोन फैमिली में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन है 1 ऑर्बिटल में, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हो सकती है +3। तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं दे विल शो मैक्सिमम ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्रोन के ज़्यादातर जो कंपाउंड है दे आर इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके अलावा ब्रोन के अलावा जो दूसरे कंपाउंड है दे विल आल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। तो जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे तो हमारी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होती चलेगी, ठीक है। तो अगर हम थेलियम के कंपाउंड्स को डिस्कस करें तो मोस्टली जो थेलियम के कंपाउंड है दे आर हैविंग द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो गैलियम है थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इट विल आल्सो शो देयर कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है गैलियम डाइक्लोराइड्स का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे तो हमारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डोमिनेट करती चलेगी। अब इसी के साथ ही जो अगला हमारा टाइटल है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो स्टेबिलिटी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इनक्रीज करती चलेगी जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं तो ये होता है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये केमिकल कम्बिनेशन जो है केमिकल रिएक्शन है केमिकल कम्बिनेशन है उसमें ये टेक पार्ट नहीं करेंगे। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आफ्टर लूजिंग दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके कंपाउंड है दे विल नाउ एक्वायर्ड नोवल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो ये जो रिलक्टेंस है NS2 ऑर्बिटल का टू टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मोस्टली जो थेलस के कंपाउंड है जैसे हाइड्रोक्साइड
इसमें प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये स्टेबल है। परकोलेट हुआ, इसमें भी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये भी स्टेबल है। तो ये जो थेलस के कंपाउंड है, इसकी जो स्टेबिलिटी है उसके पीछे जो कारण है, दैट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो अगली हमारी प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 की, कि उनकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2 अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेरिजन टू द ग्रुप नंबर 13। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो इनक्रीज करेगा। इसके पीछे ये कारण है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे जो आयनेशन थल्पी है की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। तो अगर हम बोरोन की बात करें, जो बोरोन है ये नॉन मेटल्स हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटालिक इन करेक्टर। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इनक्रीज। और लास्ट हमारा करेक्टर स्टिक्स है वो टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। ब्रोन 3 पॉजिटिव के केस में ये देखा गया है कि इसका जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। अब क्या होगा कि ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज इट वुड हैव ग्रेटर पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन द नेबरिंग अनायंस। तो अगर ये ज़्यादा पोलराइजेशन करता है नेबरिंग अनायन पर, इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है नेबरिंग अनायंस के वो ये अपनी तरफ को ये पुल करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल हैविंग द कोवलेंट करेक्टर। तो मोस्टली जो बोरोन के कंपाउंड है दे आर कोवलेंट इन नेचर। और अगर हम बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें, दे आर हैविंग द आयनिक करेक्टर्स। और इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है इट विल शो बोथ द नेचर। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये कोवलेंट है, कोवलेंट इन नेचर है। और एल्यूमिनियम का कंपाउंड इसमें 6 जो है वो वाटर लिगेंड जुड़े हैं, इसका जो नेचर है वो है आयनिक। तो एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड है दे आर बोथ आयनिक एंड कोवलेंट। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगे कोवलेंट करेक्टर है कंपाउंड का वो डिक्रीज करेगा और जो आयनिक करेक्टर है कंपाउंड का वो इनक्रीज करेगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा ग्रुप नंबर 13 में बोरोन फैमिली में।